हेलो दोस्तों, और वापस स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल सैम सपोर्ट में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मेरे चैनल के एक सब्सक्राइबर के सवाल के बारे में। दोस्तों, वहाँ पे मेरा सब्सक्राइबर एक सवाल लिखता है कि सर, मैं टिकट बुक कर रहा था और गलती से मैंने अपने घर में एक बच्चे का टिकट में नाम नहीं लिखा, क्या मैं उसको अपने साथ ट्रैवल करा सकता हूँ कि नहीं। तो चलिए बात करते हैं हम लोग अपने सब्सक्राइबर के सवाल के बारे में। तो वहाँ पर जो बच्चे की एज है वह 5 साल के नीचे है, तो 5 साल के जो नीचे के जो बच्चे हैं उनका जो टिकट होता है वह मोस्टली फ्री होता है, यह चीज़ सबको पता है। अगर हम अपने साथ किसी बच्चे को लेके जाते हैं जो 5 साल के नीचे का बच्चा है, तो वहाँ पे मोस्टली सबको पता होता है कि इस बच्चे का टिकट फ्री है, तो इसलिए ज़्यादा हमें कुछ इशू नहीं होता है। यानी कि अगर हमने टिकट में नाम नहीं भी डाला है तो कोई बोलता नहीं है, वहाँ पे कोई ऐसा ऑब्जेक्शन नहीं लेता है। हाँ, लेकिन अगर कानूनी प्रक्रिया की बात करें तो रेलवे इस चीज़ पे ऑब्जेक्शन ले सकती है, क्योंकि यहाँ पे रेलवे बोलती है जब भी आप टिकट बुक करो तो वहाँ पे उनको इंटीमेट करो। अगर हम नहीं करते हैं तो रेलवे एक्शन ले सकती है, लेकिन मोस्टली ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे रेलवे एक्शन नहीं लेती है। यानी कि आप इजीली अपने 5 साल के अगर नीचे का बच्चा है, उसका बर्थ सर्टिफिकेट या कुछ भी है, तो आप इजीली उसको अपने साथ ट्रेवल करा सकते हो। कहीं पर भी आपको इंटीमेट करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन आप कर दोगे तो बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप जाइए हमारे इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। आपको हमारे इंस्टाग्राम की आईडी और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर वहाँ पे नहीं दिखता है तो आप इस वीडियो पे देख सकते हो, यहाँ पे फ्लैश हो रहा होगा। तो जाइए वहाँ पे हमें फॉलो कीजिए। आपका कोई भी सवाल होगा आप हमें इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो। ट्विटर पे अगर आप अवेलेबल हो तो ट्विटर पे भी हमें फॉलो कर सकते हो, फेसबुक पे भी हमें फॉलो कर सकते हो। सारे हैंडल्स और लिंक्स आपको यहाँ पे वीडियो में फ्लैश होते हुए दिखाई देंगे, या तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाके वहाँ पे क्लिक करके हमें फॉलो कर सकते हो। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और इसी तरह के वीडियो फ्यूचर में अगर आप पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन जरूर दबाओ, ताकि हमारे यहाँ से कोई भी नया वीडियो निकले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ज़रूर मिले।